तेरे लिए सौ दर्द सुन, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी है। यहाँ पे अभी जयमाला कार्यक्रम दे रहा है जो विविध भारती पे आता है शाम के 7 बजे, और ये फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी तो नहीं पता, ये 725 से 750 किलोहर्ट्ज़ के बीच आ रहा है। बीता की आवाज़ में अभी आपने केसरी फिल्म का ये गाना सुना, गीतकार थी मनोज मुंतशिर, संगीत आरकू का था। जयमाला कार्यक्रम के शेष गीत आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद। ये जो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं ये है 729 किलोहर्ट्ज़ पे, जो कि मेरे ख्याल से आकाशवाणी गुवाहाटी है मीडियम वेव पे, वो विविध भारती के कार्यक्रम को रिले कर रहा है। अभी देखिए मीडियम वेव पे कितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है। अभी होने शाम के 7:10 और जो लोकेशन है वो है मेरा बिहार का सुपौल जिला। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गाना सुना, संगीत श्याम पाली। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में नीरज की बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है लाल पत्थर। काश आज विविध भारती शॉर्ट वेव पे भी अवेलेबल होता। पता नहीं इसके जो कंसर्न डिपार्टमेंट है शॉर्ट वेव से क्यों विविध भारती को एटलीस्ट रहने देना चाहिए था। भले आप रेडियो को काफी डिजिटलाइज्ड कर दो, डिजिटल मोड पे ले आओ, वो अलग चीज है, अच्छी चीज है, एटलीस्ट आपके इतने सारे प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो की शॉर्ट वेव पे हो रही है एक्सटर्नल सर्विसेज के रूप में, यानी दूसरी भाषाओं में, तो क्यों ना एटलीस्ट विविध भारती को शॉर्ट वेव पे रहने दिया जाता। आप कितने भी गाना सुन लो और जो पुराने गाने हैं, आजकल गाने सुनने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करो और गाने सुन सकते हो आप, लेकिन जो मज़ा पुराने गाने सुनने का रेडियो पे है, और इस पे सुनने के एक और ख़ासियत इसकी ये होती है कि इसमें आपको पता नहीं होता कि अगला गाना कौन सा आने वाला है, और आप ऐप पे या फिर आप किसी और म्यूजिक सोर्स पे जो मैनुअली आप अपनी पसंद से करते हो वहाँ पे आपको पता होता कि इसके बाद हम क्या सुन सकते हैं, या फिर आप अपनी पसंद के सुन सकते हो। यहाँ पे हर तरह की चॉइस का ख्याल रखा जाता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है रेडियो सुनने का। समाचार पारसमनी दंगाल बाटा सुनहु। सबसे पहला आज का मुख्य समाचार। विभिन्न व्यक्ति देखिए, जहाँ पे विविध भारती का ये प्रोग्राम आ रहा था अभी 729 किलोहर्ट्ज़ पे, अभी वहाँ पे ये नेपाली में न्यूज आ रहा है। कार्यदल गुजरात को सूरत लोकसभा सीट बांटा, भाजपा का प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। ये ऑल इंडिया रेडियो की ही न्यूज है आकाशवाणी। मतदान केंद्र में पुनर्मतदान शांति, लेकिन ये नेपाली भाषा में आ रही है। नया इतिहास। अब समाचार विस्तार में राष्ट्रपति। तो अभी भी उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट विविध भारती को वापस से शॉर्ट वेव पे लाया जाए, एटलीस्ट विविध भारती को, क्योंकि विविध भारती का एक सुनहरा दौर रहा है और वो सुनहरी यादें हैं। पता नहीं कितने जनरेशन उस चीज को देखते हुए आ रहे हैं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि
कोई ना कोई इसको लेके एक मुहिम छेड़ेंगे, आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे और जो भी रेडियो प्रेमी हैं एटलीस्ट इस चीज़ को उठाए कि एटलीस्ट विविध भारती को शॉर्ट वेव पे लाया जाए। चलिए इस उम्मीद के साथ कि विविध भारती शॉर्ट वेव पे वापस आए और जो रेडियो प्रेमी हैं एटलीस्ट इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाए, चाहे जिस भी माध्यम से हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने किसी मीडियम वेव और शॉर्ट वेव के किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।